फड़ व्यापारियों के हित के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ वास्तविक फड़ व रेहड़ी व्यापारियों को दिलाने को लेकर नगर पालिका सक्रिय हो गई है। इस संबंध में नगर पालिका की सिटी मिशन प्रोग्राम के तहत बैंकर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान लीड बैंक अधिकारी एनआर जौहरी और नगर परियोजना प्रबंधक उर्मिला बिष्ट ने कहा कि फड़ व्यापारियों के आर्थिक हितों को देखते हुए पीएम स्वनिधि योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में फड़ व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ था, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने महत्वाकांक्षी योजना लागू की है। उन्होंने इस योजना का लाभ उठाने की अपील फड़ व रेहड़ी व्यापारियों से की है। ये हमारी पीएम स्वनिधि योजना है जो कि फड़ और फेरी व्यवसायियों के लिए 2020 में चलाई गई थी। जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे फड़ फेरी व्यवसायी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, तो उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है जो कि पीएम स्वनिधि के नाम से है। इस योजना के तहत जो हमारे फड़ फेरी व्यवसायी हैं उनको लाभ होता है। सबसे पहले इसमें हम 10,000 का लोन इनको देते हैं बैंकर्स के द्वारा, फिर उसके बाद जब वो 10,000 का लोन रिटर्न कर देते हैं तो 20,000 का लोन देते हैं, जब वो 20,000 का भी लोन रिटर्न कर देंगे तो 50,000 का लोन देते हैं। इसमें 3 ट्रेंच होते हैं और ये लोन बिल्कुल इसमें कोई ब्याज नहीं पड़ता है, ब्याज फ्री वाला लोन है और इसमें इजीली ये लोग लोन ले रहे हैं और वापस कर रहे हैं। अभी तक हमारे नगर पालिका परिषद बागेश्वर के अंतर्गत 205 लोगों का आवेदन हमने इसमें कराया है और जिसमें से 187 लोगों को हमारे ऋण स्वीकृत हुआ है और 182 लोगों का ऋण वितरित हो चुका है और जिसमें LDM सर की और सारे हमारे जितने भी यहाँ के बैंकर्स हैं उनका अच्छा सहयोग रहा है। उन्हीं के सहयोग के बदौलत हम इन सभी को ऋण उपलब्ध करा रहे हैं और गरीबों को इसमें काफ़ी मदद हो रही है, वो अपने व्यवसाय को चला रहे हैं जिसमें कि ठेले वाले हैं और जितने भी हमारे रेहड़ी फेरी वाले हैं उनमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है और लोग काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और इस योजना को देखकर काफ़ी खुश हैं। और जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के तहत हमने 315 लोगों को लाभान्वित करना है 2024 तक, जो कि हमारा प्रयास निरंतर जारी है। और साथ ही इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग जो इससे रह गए हैं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे वंचित रह गए हैं, उनसे अपेक्षा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इस योजना का लाभ उठाएं। इसमें प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है पीएम स्वनिधि, जिसमें जो 3 ट्रेंच होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके विषय में यहाँ पर हमने मीटिंग रखी थी नगर पालिका के सहयोग से, जैसे कि प्राप्त हुआ था निर्देश अपने निदेशालय से। तो इसमें जो है मेन कारण था डिजिटली जो है लोग कर नहीं रहे लेन देन, तो बैंकरों को यह निर्देश दिया गया कि वो जो है उनकी शॉप में जा करके जो है डिजिटली लेन देन करें ताकि उनको बेनिफिट मिले, कम से कम 100 रुपया उनको हर महीने डिजिटल लेन देन करने से फ़ायदा हो, ये मुख्य कारण। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।